तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 180 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक के अंदर जो रेड कलर की पूरी सेंट्रल लाइन है वो 195 रुपीस पर है। 195 रुपीस पर एक रुकावट रेंज है। स्टॉक काफी समय से इस प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। ऊपरी लेवल पर एक करेक्शन देखने को मिल रहेगा। नीचे में अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो 163 रुपीस पर है। 163 रुपीस पर स्टॉक के अंदर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। स्टॉक इस प्राइस के पास काफी समय तक एक रेंज कोण में ट्रेड कर रहा था। ऊपर में जो एक रुकावट रेंज है वो अराउंड 195 रुपीस पर है। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में एक स्टॉप लॉस ट्रेड करें अराउंड 175 रुपीस के पास, जहां से स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल देखने को मिल रहेगा और ऊपर के टारगेट अराउंड 200 रुपीस के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक में एक बड़ी तेजी जभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक ऊपर में जो रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन है ये 192 रुपीस पर है। स्टॉक एक बार इस प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बना लेता है तो वहां पर स्टॉक के अंदर एक सपोर्ट लेवल जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में एक बड़ी तेजी बनती हुई नजर आएगी, पर जब तक स्टॉक 193 रुपीस के प्राइस को ब्रेकआउट नहीं देता ऊपरी लेवल पर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।